ब्रेक के बाद खबरों में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब बात होगी हिमाचल की तमाम खबरों की, तो चलिए अब बात करेंगे हिमाचल की तमाम खबरों की फटाफट अंदाज में। ज्वालामुखी में आर्ट ऑफ लिविंग का 5 दिवसीय आनंद अनुभूति शिविर संपन्न, कई प्रतिभागियों महिलाओं पुरुषों ने लिया भाग, योग ध्यान सहित करवाई गई है विशेष गतिविधियां। सोलन शहर में लगा गंदगी का अंबार, शहर को डस्टबिन फ्री करने के चक्कर में पूरा शहर ही बन गया डस्टबिन, स्थानीय लोगों की निगम से अपील इस ओर ध्यान देने का। 2024 तक हिमाचल को टीबी मुक्त राज्य बनाने का टारगेट, प्रदेश में शुरू किया गया टीबी मुक्त पंचायत कार्यक्रम, पंचायत स्तर पर लोगों को किया जाएगा जागरूक। राजगढ़ में पिछले काफी समय से चल रही है रसोई गैस सप्लाई की कमी, गैस न मिलने के कारण लोगों को करना पड़ रहा है परेशानी का सामना। सोलन में त्योहारों से पहले अलर्ट हुआ है खाद्य सुरक्षा विभाग, मिठाइयों के सैंपल्स की जांच के लिए भेजे गए लैब, नियम अनुसार खाद्य पदार्थ न बनाने पर की जाएगी सख्त कार्रवाई। बिलासपुर के सिविल हॉस्पिटल्स घुमारवी में आयुष्मान भव्य स्वास्थ्य मेले का आयोजन, स्वास्थ्य शिविर में लगभग 950 लोगों ने करवाई अपने स्वास्थ्य की जांच, 18 दिव्यांग प्रमाण पत्र और 90 आभा कार्ड भी बनाए। बद्दी में ज्वेलरी कारोबारी की दुकान से सोने की चेन लेकर फरार हुआ चोर, मामले की जांच में जुटी है पुलिस, विशेष टीम गठित कर दो आरोपी गिरफ्तार। बिलासपुर में 31 वर्षीय युवक की अपने ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, मृतक के परिजनों ने ससुराल वालों पर लगाया बेटे की हत्या का आरोप, पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच पड़ताल। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े सुजानपुर चौगान की हालत होती जा रही है दिन प्रतिदिन खराब, एक तरफ जहरीले घास ने जमाया अपना डेरा तो दूसरी तरफ कूड़ेदानों के साथ बना हुआ है गंदगी का। कुल्लू शहर में 112 कुत्तों की हुई नसबंदी, नगर परिषद कुल्लू की तरफ से चला जा रहा अभियान। सोलन में मिशन इंद्रधनुष 5.0 अभियान के तीसरे चरण की शुरुआत, 14 अक्टूबर तक किया जाएगा टीकाकरण, हाई रिस्क एरिया में लगाए जाएंगे विशेष टीकाकरण सत्र। ऊना पुलिस को मिली है बड़ी सफलता, 33.5 ग्राम चिट्टे के साथ एक आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला किया दर्ज, आरोपी के खिलाफ की जाएगी सख्त कार्रवाई। नूरपुर में विद्यालय का छात्र कबड्डी प्रतियोगिता में खेलेगा स्टेट लेवल का टूर्नामेंट, प्रिंसिपल ने दी बधाई, एकाध स्कूल प्रशासन और माता पिता के लिए गर्व की बात है। बिलासपुर के साई ट्रेनिंग सेंटर में कबड्डी खिलाड़ियों के लिए ट्रायल का आयोजन, प्रदेश भर के खिलाड़ी दिखा रहे हैं अपनी प्रतिभा। बद्दी के भुट्टू बैरियर पर दर्दनाक हादसा, ट्रक ने बाप बेटी को कुचला, दोनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत, ट्रक ड्राइवर मौके से फरार। नालागढ़ के मलहैनी में अवैध तौर से ली जा रही खैर की लकड़ी बरामद, पिकअप गाड़ी से 79 खैर के मोछे किए गए बरामद, पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच पड़ताल। सोलन में खादी महोत्सव के अंतर्गत महाविद्यालय परिसर में व्यावसायिक शिक्षा के छात्रों ने लगाई प्रदर्शनी, हाथों से निर्मित वस्तुओं को प्रदर्शित किया गया। सोलन में जिला परिषद कैडर कर्मचारी अधिकारी महासंघ की कलम छोड़ हड़ताल जारी, पंचायत प्रधान उप प्रधान पंचायत समिति सदस्य भी कर्मचारियों का कर रहे हैं समर्थन, कैडर कर्मचारियों की मांग उन्हें विभाग में किया जाएगा। बिलासपुर में सेवानिवृत्त सर्व कर्मचारी की बैठक संपन्न, बैठक में प्रधान तिलकराज शर्मा, सुरेश शर्मा, अन्य सेवानिवृत्त कर्मचारी मौजूद, सरकार से की मांग, 2016 के सेवानिवृत्त कर्मचारियों का वित्तीय लाभ तुरंत करें जारी, अगर मांगों को जल्द नहीं माना गया तो अपनाया जाएगा संघर्ष का रास्ता। पावटाहाटी यूनिट ने प्रेस वार्ता कर उद्योग मंत्री पर साधा निशाना, हर्षवर्धन चौहान को हाटी समिति की चेतावनी, जनजाति का हक लेकर रही। शहर की व्यवस्थाओं में होगा सुधार, राजगढ़ में हरकत में आया स्थानीय प्रशासन, एसडीएम ने सभी विभागों के अधिकारियों के साथ किया शहर का निरीक्षण।
नालागढ़ के ग्राम पंचायत बदोखरी के वार्ड नंबर 4 के वार्ड मेंबर के पद पर उपचुनाव न करवाने को लेकर लोगों में आक्रोश। उपचुनाव की नोटिफिकेशन जारी, लेकिन वार्ड नंबर 4 की नोटिफिकेशन नहीं हुई जारी। एसजेवीएन की 3 परियोजनाओं के करीब 1000 मजदूरों में रोष। 12 अक्टूबर को विभिन्न मांगों को लेकर करेंगे हड़ताल। परियोजना स्थलों पर सभी आवश्यक सेवाएं, बिजली पानी भी ठप। ऊना में आईओसी द्वारा गैस ढुलाई के कार्य को मंजूरी। ट्रक ऑपरेटर्स ने जताया आभार। सैकड़ों लोगों को मिला फिर से रोजगार। अब प्रदेश के लोगों को नहीं होगी गैस की कोई भी किल्लत। सोलन डाक विभाग ने मनाया है फ्लेटली दिवस। 13 अक्टूबर तक होगा राष्ट्रीय डाक सप्ताह आयोजित। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।